Hey guys, this is Fancy and welcome to my another video. So आज का वीडियो कोई फेस पैक या तो पिगमेंटेशन या रिंकल्स इसके बारे में नहीं है. आज का वीडियो है सिर्फ कुछ मेडिसिंस के बारे में जो मैं पिछले दो साल से मैं ले रही हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत बेनिफिट्स मुझे मिल रहा है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपके साथ शेयर किया जाए और आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिल जाए इससे. तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी. तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्या हम इस मेडिसिन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं. तो डॉक्टर ने बोला हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आप ही क्यों सभी इसको ले सकते हैं एक सर्टेन एज के बाद. एटलीस्ट आफ्टर 25 ईयर्स के बाद सभी को लेना चाहिए, वो मेल हो या फीमेल हो, सभी को लेना चाहिए. तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. तो आप नंबर वन पॉइंट है कि ये सब मेडिसिन क्यों लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि सपोज एक ह्यूमन बॉडी को हम लोगों को जैसे कि पूरा दिन भर में 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए. तो हम लोग थोड़ी पीते हैं क्योंकि देखिए जो लोग घर में होते हैं ठीक है, चलो उन लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन जो लोग काम करते हैं या तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, बिजनेस करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन पानी तो हम लोगों को चाहिए क्योंकि बॉडी को मॉइस्चर रखने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, तो वो तो चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है. तो इससे क्या होता है ना कि एक बॉडी में एक डेफिशिएंसी आ जाते हैं. तो वैसा ही सेम एज वाटर हम लोगों के बॉडी में चाहिए जैसे कि विटामिन ए बी सी डी ई, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारा कुछ हम लोगों के बॉडी को चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है. लेकिन हम लोग जो पूरा दिन भर 24 आवर्स में पूरा दिन भर जो मील्स लेते हैं या तो जो खाना खाते हैं, तो उसमें एक्चुअली पूरा दिन भर में ऐसा नहीं होता है कि नहीं आज मुझे पूरा न्यूट्रिशंस मिल गया है जो जो मुझे चाहिए, मेरे शरीर को चाहिए. तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि आज शायद मेरे शरीर में कैल्शियम मैंने ले लिए, प्रॉपर मुझे कैल्शियम आ गया, मुझे मिल गया, लेकिन विटामिन डी आज मुझे नहीं मिला ठीक है खाने से. तो ऐसा डेफिशिएंसी तो होता ही रहता है. तो अगर डेफिशिएंसी होता है तो क्या होता है कि वो मतलब शरीर बीमार हो जाता है, या तो बीमार अगर नहीं भी होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपका अंदर अगर सुस्त तंदुरुस्त नहीं होता है, हेल्दी नहीं होता है, तो आपका उसका जो इफेक्ट होता है ना वो बाहर आ जाता है. तो उससे क्या होता है कि स्किन हेल्दी नहीं होता है, स्किन डल हो जाता है, रफ हो जाता है, ब्लैक पैचेस आ जाता है, रिंकल्स पड़ जाता है, एजिंग का प्रॉब्लम होता है, फिर बाल झड़ने लगते हैं, बाल रफ हो जाता है, तो उसका इफेक्ट बाहर भी आ जाता है. और अगर आप अंदर से आप हेल्दी रहोगे तो क्या होता है कि उसका इफेक्ट भी बाहर ऐसा ही आएगा. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ. तो आप क्या होता है कि पूरा दिन भर में जितना भी डेफिशिएंसी होता है, जो मतलब ये चीज़ मुझे आज कम मिला, वो चीज़ मुझे नहीं मिला, मतलब विटामिन ए हो, डी, बी, सी, जो भी हो, मतलब कुछ चीज़ मुझे नहीं मिला. और फिर अभी तो क्या है कि मिल्क बोलिए या जो कुछ भी बोलिए, हर एक चीज़ में मिलावटी होता है. तो वो प्रॉपर चीज़ हम लोगों को, प्योर चीज़ मुझे हम लोगों को नहीं मिलता है. तो इसलिए ये सब मेडिसिन लेना ज़रूरी है कि जो घटती हो रहा है बॉडी में, बॉडी के लिए जो हो रहा है खाने से मुझे हम लोगों को नहीं मिलता है, तो वो चीज़ ये सब मेडिसिन लेने से प्रॉपर हो जाता है कुछ हद तक. तो इसलिए क्या होता है कि आपका अंदर का जो आपका जो सिस्टम बोलिए या तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन बोलिए या जो भी बोलिए जो होना चाहिए, तो वो तो नहीं होता है डिफिशियंसी के लिए. तो अगर आप ये सब मेडिसिन लेते हैं तो कुछ हद तक आपका बॉडी का जो सिस्टम जो है, डिटॉक्सिफिकेशन जो है, जो भी हो, तो वो कुछ हद तक ठीक हो जाता है. तो वो अगर आप अंदर से हेल्दी रहोगे तो उसका इफेक्ट भी आपको बाहर आपको दिखेगा, वो मिलेगा आपको
जो अभी मुझे मिल रहा है, तो इसलिए मैं ये आपके अभी आपके सामने हूँ। तो फर्स्ट जो है टैबलेट मैं ले रही हूँ वो है, एक्चुअली मैं ये बैग में मैं कैरी करती हूँ, मेरे ऑफिस के बैग में हर टाइम मेरे बैग में रहता है, क्योंकि मैं मुझे टाइम नहीं मिलता है घर में खाने के लिए, तो इसलिए मैं ऑफिस लेके चली जाती हूँ, तो ऑफिस में मैं लेती हूँ। तो मेरा फर्स्ट जो टैबलेट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम देखिए, अभी दूध में कैल्शियम कहाँ से आते हैं? दूध से आते हैं, जेली से आते हैं, कार्ब से आते हैं, पनीर से आते हैं, लेकिन दूध जो होता है वो भी उसमें भी मिलावटी होता है। तो आपको तो प्योर दूध तो नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी नहीं मिलता है, तो इसलिए कैल्शियम का टैबलेट लेना ज़रूरी है। आप दूध पी सकते हो, आप दही ले सकते हो, आप पनीर खा सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप जो कुछ भी खाओ या पियो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये सब मेडिसिन आप लोगे, तो आपका वो डिफिशियंसी जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी शरीर में आपका प्रॉब्लम है, तो वो सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट टैबलेट है कैल्शियम। कैल्शियम ये मैं लेती हूँ लूपिकल 500। दिखाई देगा कि नहीं मुझे पता, ये है लूपिकल 500, तो ये मैं लेती हूँ, लेकिन बाजार में बहुत सारा कैल्शियम का टैबलेट आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये वाला आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो इसका प्राइस है ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ये करीबन आपका यहाँ पे 15 टैबलेट है, 15 टैबलेट करीबन आपको 60 या 70 में आपको मिल जाएगा। ये तो ये कब आपको खाना चाहिए, ये खाना चाहिए ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद आधे घंटे बाद आप इसको एक लीजिए सुबह। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम भूल गए सुबह लेना, तो फिर उसको छोड़ दीजिए। तो ये आप सुबह एक लीजिए, और इसका एक लेने का प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, तो वो हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं एक महीने में लेती हूँ तो एक महीना मैं गैप देती हूँ, एक महीना लेती हूँ तो एक महीना गैप देती हूँ। तो ऐसे करके आपको लेना चाहिए, मतलब हर महीने आप मत खाइए। तो ये हो गया आपका कैल्शियम टैबलेट। आप ये लेने से क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं अगर चुप जाता है इधर उधर कुछ, तो मैंने इसलिए मैंने लिख लिए है, तो वो मैं थोड़ा देख के मैं आपको बताऊँगी। द बेनिफिट्स ऑफ कैल्शियम, ये लेने से क्या होता है कि योर बॉडी नीड्स कैल्शियम टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो ये सभी को पता है कि स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए आप कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, और योर हार्ट मसल्स एंड नर्व्स ऑल्सो नीड कैल्शियम टू फंक्शन प्रॉपरली। सम स्टडीज सजेस्ट दैट कैल्शियम अलॉन्ग विद विटामिन डी मे हैव बेनिफिट्स बियॉन्ड बोन हेल्थ, परहैप्स प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट कैंसर, डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। कभी कभी ये क्या करते हैं कि कैंसर, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका जो बेनिफिट्स जो है, तो वो है मतलब आपका अगर नर्व्स का प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरा नर्व्स का प्रॉब्लम है, मेरा मुझे हाइपोथायरॉयड है, तो मैं ले रही हूँ, तो मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जहाँ तक मैंने स्टडी किए और डॉक्टर से मैंने पूछा, तो डॉक्टर ने भी बोले कि जिन लोगों का डायबिटीज़ है, मतलब हाई शुगर है, और जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, या तो आर्थराइटिस है, या जो भी है, कोई भी आप इसको ले सकते हो, लेकिन वही एक फार्मूला है कि एक महीना लो तो एक महीना गैप दो, एक महीना लो तो एक महीना गैप दो। अच्छा, मेरा दूसरा है विटामिन सी।
ये बहुत सस्ता है। यहाँ पे है 15 टैबलेट, ये करीबन 18-19 रुपीस का है। ये है लिंगसी ऑरेंज फ्लेवर, ये एक्चुअली 500 ग्राम का है, 500 एमजी का है, और ये च्यूएबल टैबलेट्स है। ये मतलब पानी के साथ पीना नहीं चाहिए, इसको आप ये सब टैबलेट खाने के बाद इसको मुंह में रखना है, तो मतलब चॉकलेट के जैसा आपको खाना चाहिए। तो ये टैबलेट आप हर रोज ले सकते हैं, लेकिन वही है कि सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आधे घंटे बाद आप इसको लीजिए और इसको गैप मत दीजिए। मेरा नंबर 3 टैबलेट्स है जो मैं लेती हूँ, वो है मल्टी विटामिन टैबलेट। ये है A2Z, बाजार में बहुत सारा मल्टी विटामिन टैबलेट मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये इसका 15 टैबलेट का कॉस्ट आता है करीबन 150 या 160, मुझे उतना मतलब याद नहीं है। तो ये खाने से क्या होता है ना कि आपका आँखों का विजन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, हेल्दी स्किन होता है, प्रॉपर आपका ग्रोथ होता है, ब्रेन डेवलपमेंट ठीक ठाक होता है, और फिर विटामिन बी भी है इसमें, तो विटामिन बी आपका एनर्जी लेवल को ग्रो करता है, और फिर विटामिन सी भी है इसमें जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, तो ये बहुत सारा काम करता है, तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सभी आप लीजिए सुबह एक एक करके, A2Z एक टैबलेट लीजिए, विटामिन सी एक टैबलेट लीजिए और कैल्शियम एक टैबलेट लीजिए। लेकिन इसको फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कैल्शियम टैबलेट एक महीना लीजिए और एक महीना गैप दीजिए, एक महीना लीजिए और एक महीना गैप दीजिए। अच्छा, और एक बात है कि आप मंडे टू सैटरडे आप सभी टैबलेट लीजिए, लेकिन संडे एक दिन गैप दीजिए, सभी को एक दिन गैप दीजिए, फिर से आप मंडे टू सैटरडे आप लीजिए, तो आप देखेंगे कि आप ऐसे करके आप 2-3 महीना लीजिए, तो 2-3 महीना लेने के बाद आप एक मतलब डिफरेंस आप फील करोगे कि आपका बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाएगा, ऐसा स्किन में एक ग्लो करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो विटामिन सी टैबलेट है तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें यूरिन मतलब बहुत ज़्यादा होता है, आपको बार बार आपको वॉशरूम में जाना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो टॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को। तो हाँ, ये आप लीजिए, लेके देखिए, मैं एश्योर करती हूँ कि मेरा जो स्किन जो है और मेरा जो बालों का जो टेक्सचर है, मैंने जो खुद फील किया है, तो वो आप भी फील करोगे और इट विल हेल्प यू टू सम एक्सटेंट आई थिंक। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड पास में एक बेल बॉटम है उसको प्रेस करना ना भूले। सो टिल देन, बाय।